नमस्कार इन्वेस्टर्स, तो हम आज आ चुके हैं अपने एक प्रोजेक्ट के शूट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं चिंतामणि के यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ी हूँ एंड इस प्रोजेक्ट की हम ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैं कंपैरिजन फैक्टर भी बताऊंगी और प्राइसिंग का भी आपको आइडिया दूंगी पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो अगर आप भी रेसिडेंशियल कोई ढूंढ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में, इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में साइट विजिट करना ना भूलें, क्योंकि ये अब तक का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट रहने वाला है, जैसा कि मैं आपको सैंपल फ्लैट भी दिखाने वाली हूँ। सो आइए चलते हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस YouTube चैनल में, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। और आज हम आ चुके हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के शूट पे। तो आज हम चिंतामणि के शूट पे आ चुके हैं और उसका सैंपल फ्लैट और उसकी सारी फिनिशिंग का आइडिया भी मैं आपको देने वाली हूँ। सो चलते हैं हम अपने इस प्रोजेक्ट पे। सो जैसा कि मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था कि हम यहाँ के चिंतामणि के मॉडल को भी देखने वाले हैं। हम आ चुके हैं अपने एक साइट प्लान या मॉडल के पास। आइए मैं आपको पूरा आपको लेआउट दिखाती हूँ। ये जो कनेक्टिविटी है द्वारका एक्सप्रेसवे से, मेन कनेक्टिविटी है सेक्टर 103 की एंड 60 मीटर्स रोड से हमारी एंट्री और एग्जिट रहने वाली है। ये हमारा फेज़ वन था, जिसमें हमने 4 टॉवर्स लॉन्च किए हुए हैं एंड इसमें 20,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी हम आपके लिए लेके आए हैं। सो इसका जो प्लस पॉइंट आपके लिए रहने वाला है चिंतामणि में इन्वेस्टमेंट का, कि इसके इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम आपको 2 कार पार्किंग साथ में दे रहे हैं। साथ ही साथ इसका जो प्लस पॉइंट है, इसकी डबल हाइटेड हम आपको दे रहे हैं। इट मीन्स कि 12 फीट के हाइट के साथ हम आपको रूम्स एंड लिविंग एरिया की फैसिलिटीज दे रहे हैं। सो चलते हैं गाइस, हम सैंपल फ्लैट देखते हैं। सो सैंपल फ्लैट देखने से पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। इसमें 3 BHK एंड 4 BHK की इन्वेंट्रीज फेज़ 2 में भी हम लॉन्च करने वाले हैं, जो कि 4 एकड़ का प्रोजेक्ट रहने वाला है। सो जो हम सैंपल फ्लैट देखने वाले हैं उसकी एरिया की बात करूँ तो 4 BHK का फ्लैट रहेगा और 2500 स्क्वायर फीट के आसपास का इसका साइज रहेगा। सो आइए चलते हैं हम सैंपल फ्लैट देख। फर्स्ट जो हमारा की पॉइंट रहने वाला है वो डिजी लॉक। यहाँ पे आपको डिजिटल लॉक मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको पैनल ऑफ स्क्रीन यहाँ पे मिलने वाला है, जिसमें आप अपने गेस्ट या किसी को भी देखने के बाद, उनसे कम्युनिकेट करने के बाद ही आप उस लॉक को ओपन करोगे। तो सेफ्टी पॉइंट का हमने पूरा ध्यान रखा है आपके लिए। ये जो हमारा रहने वाला है ग्रेसफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लिविंग एरिया रहने वाला है। लिविंग एरिया में को आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें हम इटालियन मार्बल्स आपके लिए दे रहे हैं एंड इसकी हाइट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, 12 फीट की हाइट हम अप्रॉक्सीमेटली आपके लिए लेके आए हैं, जो आपको किसी भी प्रोजेक्ट में आपको नहीं मिलने वाली है, चाहे वो आप सिग्नेचर की बात करो या फिर हीरो होम्स की बात करो या फिर नवराज की बात करो। सो ये जो बालकनी की कनेक्टिविटी है लिविंग एरिया से, वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ से अगर आप टॉप फ्लोर के फ्लैट्स लेते हो तो आपको एक अच्छा द्वारका एक्सप्रेसवे का व्यू मिलने वाला है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होने ही वाला है। मार्च 11 में ही ऑपरेशनल होने वाला है। ऑपरेशनल होने के बाद इसकी ब्यूटी एंड द्वारका एक्सप्रेसवे की ब्यूटी देखने लायक होगी। सो ये जो एरिया हमने डिज़ाइन किया है, ये डिज़ाइन किया है हमने डाइनिंग एरिया के लिए एंड डाइनिंग एरिया के साथ ही साथ हमारी जो कनेक्टिविटी है वो है गेस्ट बेडरूम की। सो ये हमारा 4th और गेस्ट बेडरूम है। इसमें हम आपको वुडन फ्लोरिंग देने वाले हैं एंड साइजेस जो अप्रॉक्सीमेटली हमारे गेस्ट बेडरूम के रहेंगे वो 10x11 का साइज रहेगा। एक अच्छा साइज हमने इसमें भी दिया है। ये पाउडर एरिया हम आपको साथ में दे रहे हैं, ताकि गेस्ट की भी प्राइवेसी बनी रहे एंड एक ग्लास पार्टीशन मिरर के साथ हम वॉशरूम का भी दे रहे हैं। अगर फिटिंग्स की बात करूँ तो मैं जैगवार या कॉलर की फिटिंग्स ही यूज़ कर रहे हैं, एक ब्रांडेड फिटिंग्स हम यूज़ कर रहे हैं। एंड ये फ्लोरिंग जो आपको मिलने वाली है सारे रूम्स में, वो आपको वुडन फ्लोरिंग मिलने वाली है, टेक्स्चर्ड वुडन फ्लोरिंग मिलने वाली है। अगर यहाँ की बालकनी की बात करें तो यूटिलिटी बालकनी है, जो कनेक्टेड होगी आपकी किचन एंड आपकी गेस्ट बेडरूम से। सो आइए अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हमारा किचन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लिविंग एरिया है एंड ये जो डाइनिंग एरिया है, इसमें हम VRVs ACs आप लोगों के लिए दे रहे हैं। सो VRV AC की भी फैसिलिटी हम आपको अपने साइड से ही प्रोवाइड करके दे रहे हैं, ओनली इन लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया। सो हम अपने किचन में आ चुके हैं। किचन में चिमनी हॉप हम आपको दे रहे हैं, पूरी तरीके से मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं हम आपके लिए। बट ये जो एक्स्ट्रा फिटिंग्स है, जैसे कि फ्रिज या मूवेबल आइटम्स, वो आपको अपने साइड से ही कैरी करने हैं। हम ये सारी फिटिंग्स आपके लिए डिज़ाइन करके दे रहे हैं।
जैसे कि कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई थी, यूटिलिटी बालकनी की कनेक्टिविटी यहाँ से आपको मिल जाएगी, जहाँ आप वॉशिंग एरिया अपना यूज़ कर सकते हो या स्टोरेज एरिया बना सकते हो। आ गए हैं अपने थर्ड बेडरूम में। ये जो थर्ड बेडरूम है, इसको आप एज ए गेस्ट बेडरूम, किड्स बेडरूम कैसे भी यूज़ कर सकते हो। इसकी भी कनेक्टिविटी हम एक रनिंग बालकनी के थ्रू अच्छी कनेक्टिविटी इसकी दे रहे हैं। इसमें भी सेम आपको जो मिलने वाला है वो वुडन फ्लोरिंग मिलने वाला है, टेक्सचर वाला। इसमें एसीज के लिए हमने आपको वायरिंग वगैरह सारी चीज़ें करवा के दी है, ताकि आप अपना एसी लेके और यहाँ पे मूव कर सको। ड्रॉर्स बहुत ही ब्यूटीफुल हमने डिज़ाइन किए हैं वॉकिंग क्लोजर्स के साथ। सेम आपको वॉशरूम का पाउडर एरिया एंड मिरर ग्लास पार्टीशन के साथ आपको वॉशिंग एरिया मिल रहा है। बहुत ही अच्छा व्यू देता है। अगर आप हाइट की बात करो, चाहे आप इस व्यू में कोई भी इंटीरियर कराओ, चाहे आपको झूमर यूज़ करना हो या कैसे भी इंटीरियर्स कराने हो, एक अच्छा हाइट का आपको बेनिफिट मिल ही जाता है। हमारा सेकेंड रूम आ गया है हमारा, जिसको आप पेरेंट्स के लिए अपने रूम दे सकते हो। एक अच्छे स्पेशियस आपको एरिया मिल रहा है, साथ ही साथ इसमें क्लोजेट भी है जो हमने ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें आप अपने क्लोथ्स सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इन दोनों लिविंग एरिया का एंड साथ में ये थर्ड सेकेंड बेडरूम का हमने जो वॉशरूम है वो कनेक्टेड ही रखा है। यहाँ पे पाउडर एरिया आप यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ ग्लास पार्टीशन आपको मिल रहा है। आ जाते हैं अपने मास्टर बेडरूम में, जिसकी अगर हम ब्रॉडनेस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 11x17 का साइज़ है, जो कि बहुत ही अच्छा आपको साइज़ मिल जाता है। एंड मास्टर बेडरूम की एक और बेनिफिट है कि आपको वॉकिंग क्लोजेट यहाँ पे मिल जाता है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। आई फ्लोरिंग आपको मिल रही है, साथ ही साथ एक ऐसा स्पेस मिल रहा है जहाँ पे आप कपल्स एज ए टी या कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हो अपना एक टेबल यूज़ करके। ये जो बालकनीज हैं, ये बालकनी रनिंग बालकनी है थ्रू बोथ द रूम्स। रनिंग बालकनी आपको मिल जाती है जहाँ पे आप ग्रीनरी के लिए यूज़ कर सकते हो उन बालकनीज को, या फिर अपने किसी फ्रेंड या गैदरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। एक अच्छा खासा स्पेस आपको बालकनी में भी मिल जाता है। सो मास्टर बेडरूम का जो मैं आपको दिखाने वाली थी, वो वॉकिंग क्लोजेट दिखाने वाली थी, जो हमने ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया हुआ है। आइए मैं आपको वॉकिंग क्लोजेट दिखाती हूँ। तो ये हमारा वॉकिंग क्लोजेट रहने वाला है। वॉकिंग क्लोजेट के साथ ही आपको पाउडर रूम मिल जाता है। जैसे हमारे डेली टू लाइफ में कुछ ना कुछ मेकअप रिलेटेड इश्यूज होते हैं, प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती है, मिरर की फैसिलिटी नहीं होती प्रॉपर, सो यहाँ पे क्लोजेट के साथ ही आप अपना पाउडर रूम मिल रहा है आपको। एंड मास्टर बेडरूम में एक और चीज़ का हमने ध्यान रखा है कि ग्लास पार्टीशन हमने प्रॉपर दिया है। ड्राई एरिया एंड वेट एरिया आपको, मतलब जब आप पाउडर रूम में हो तो वेट एरिया आपको बॉदर ना करे, इसलिए हमने प्रॉपर ग्लास पार्टीशन आपके लिए बनाया है। मैंने जो आज आपको दिखाया है वो 4 BHK दिखाया है। अगर हम 3 BHK, इसमें 3 BHK की भी इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी, 3+1 servant की भी इन्वेंट्रीज आपको मिल जाएंगी। सो चिंता मनी का ये जो हमने फ्लैट बनाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लैट बनाया है। इसमें सारी आपको वॉल पेंट से लेके टेक्सचर फ्लोरिंग से लेके वॉल पेंट सारी चीज़ें हम आपको करवा के दे रहे हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छा प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, सो जो अभी हम प्राइसिंग लेके आए हैं आपके लिए, वो 14,000 रुपये का प्राइस है। अगर कंपैरिजन वाइज मैं बात करती हूँ तो सिग्नेचर अभी 16,000 के प्राइसिंग पे ट्रेड कर रहा है। अगर हीरो होम्स की बात करें तो वो भी 16,500 के प्राइसिंग पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस बेल्ट की अगर मैं बात करती हूँ, 103 बेल्ट की मैं बात करती हूँ, तो लोकेशन वाइज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज से इसका डिस्टेंस मात्र 5 मिनट के डिस्टेंस पे आपको अच्छे स्कूल मिल जाएंगे लाइक DPS, अच्छे आपको हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, एंड 15 मिनट्स की ड्राइव पे आपको IGI एयरपोर्ट मिल जाएगा, डिप्लोमेटिक एनक्लेव आ रहा है, साथ ही साथ एक अच्छा व्यू आप लोगों के लिए मिलने वाला है अगर आप इसमें अपने फ्लैट्स बुक कराते हो। अगर आप भी ऐसा कोई भी द्वारका एक्सप्रेस में फ्लैट ढूंढ रहे हो जो जल्दी ही जिसकी पोजीशन आने वाली है, 2025-26 तक हम इसका पोजीशन रेडी करके आपको देने वाले हैं, तो आप इस फ्लैट को विजिट करना ना भूलें। और अच्छे से अच्छी बेस्ट इन्वेंट्रीज के लिए, डिस्काउंट्स के लिए अतुल्यम ग्रुप को याद ज़रूर रखें। अतुल्यम ग्रुप आपको बेस्ट प्राइसिंग देने का वादा करता है। सो अगर आप भी द्वारका एक्सप्रेस वे में कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।